असगर असगर कुछ हुआ भाई? मैंने बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन ये वकील नहीं माना। मैं चाहता कि तुझे फांसी की सजा ना हो, भले कुछ चंद सालों की सजा दे, लेकिन इस वकील ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं इस वकील की ऐसी हालत करूंगा कि मरने के बाद भी है ना। तो भाई उस वकील को मारने से मैं बच थोड़ी ना जाऊंगा। आखिर मैंने एक बेकसूर चौकीदार का कत्ल किया, मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अजगर मेरी बात तो सुन, अजगर मैं कुछ करता हूँ। अजगर मैं वादा करता हूँ, मैं इस वकील को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजगर सर आप अंदर नहीं आ सकते। सर प्लीज मेरी बात माने, रिक्वेस्ट है। सर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? अरे सर आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? साहब बिजी हैं अंदर। सर प्लीज अंदर नहीं जाए, साहब बिजी हैं। वो बात क्यों नहीं सुन रहे? सर प्लीज सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तुम यहाँ क्यों आए? बैठे रहे वकील साहब, आराम से बैठे रहे। सर मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी। अच्छा, ठीक है तुम जाओ। तो देखे वकील साहब, देखो मिस्टर अहमद अली नाम है मेरा। मिस्टर अहमद अली बिलाल, तुम्हें पहले भी बता चुका और मैं भी तुम्हें यही कहूंगा कि हम तुम्हारे भाई के केस के सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि तुम्हारा भाई डकैती करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। और बात सिर्फ डकैती तक ही नहीं है, उसने एक गरीब चौकीदार का कत्ल भी किया है। उसे फांसी तो जरूर होनी चाहिए और मैं उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगा। स्टोरी को छोड़ो, कीमत बताओ। इसका मतलब है कि बिलाल बिल्कुल सही कह रहा था, जैसे सुना वैसे ही पाया तुम्हें। आजकल ईमानदारी कहाँ काम आती है वकील साहब, बेईमानी करनी पड़ती है कभी कभी। तुम्हें क्या पता कि ईमानदारी क्या चीज है? वो सबको पता है कि तुमने 3 साल पहले बिलाल के साथ क्या किया। वो बेचारा तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभा रहा था, उसे क्या पता कि वो किसी शाम को दूध पिला रहा था। और खैरियत? बैठो। किसी जरूरी काम से बुलाया? दिखाओ कौन से कागज सकते हैं। हाँ इसी काम के लिए बुलाया था, ये दोस्त के प्लॉट के कागजात हैं, इसको बेचने बिकवा सकता है। अबे तेरे जैसे कंगले को ये कागजात कहाँ से मिल गए? क्या मतलब है इस बात का? क्या कम कीमत है इसकी? अबे क्या बात कर रहा है यार तू, अबे बहुत ज़्यादा कीमत है इसकी। तेरे दोस्त को कितने की ज़रूरत है? मेरे दोस्त को तकरीबन 70 लाख तक की ज़रूरत है। अबे इसकी कीमत तो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आगे तो तू खुद समझदार है। अब तो तुझे मिठाई खिलानी पड़ेगी, तेरे इतना बड़ा काम जो कर दिया मैंने। क्या मतलब? ये देख, ये जमीन तेरे नाम हो गई है। ये गिना तेरा काम वाली बात, तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा।
शॉट देगा फिर। तू स्नोकर मत खेल, तुझसे कभी नहीं हो पाएगा। तू सिर्फ और सिर्फ गिल्ली डंडा खेलने के लायक। हेलो हेलो, हाँ बोलो, क्या काम है? हेलो अहमद, कहाँ हो यार तुम? मैं कहीं भी हूँ, तुम्हें कोई काम है तो बताओ। यार मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, इस वक्त मेरी वालदा की तबीयत बिल्कुल ख़राब है, मैं सीरियस कंडीशन में हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे इस वक्त बहुत अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है यार, कहीं से करके दे दो तुम। इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अच्छा तुम्हें मैंने प्लॉट दिया था बेचने के लिए, उसका क्या हुआ? उसका तो बहुत पहले ही जो होना था वो हो गया। तो यार मुझे तुम कहीं से इतने पैसे दे दो कि मेरी वालदा का ऑपरेशन हो जाए। एक नंबर के बेवकूफ़ हो तुम। मैंने तुम्हारा प्लॉट बेचने के लिए इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि मैं वो तुम्हें दे सकूँ। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? वो प्लॉट अब मेरे नाम पर है। यार तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम मुझे कहीं से भी करके दे दो पैसे, मैं तुम्हें बाद में तुम जितने बोलोगे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यार तुम ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हेलो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैंने तुम पर भरोसा किया है। हेलो अहमद, तुम क्या समझते हो जो तुमने किया वो सब ठीक किया? मैंने कहा ना आपको वकील साहब, ईमानदारी आजकल कहाँ काम आती है, बेईमानी करनी पड़ती है। देखो मिस्टर, तुम यहाँ से जा सकते हो। हाँ, मुझे वाला कौन रोकेगा? मैं तुम्हें रिश्वत देने के जोर में अंदर करवा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम बंदूक के जोर पे अपने भाई को बचा लोगे? तुम सोचे तुम्हारा बाप? वैसे मान गया तुझे वकील, कहता था कि मेरे जीते जी तू अपने भाई को नहीं छुड़ा पाएगा, मर गया। Thank you.
जानता है मुझे, जानता है। साले यहीं टोक दूंगा तुझे। हाँ बोल। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। सीधा सीधा बोल, क्या बात है? बिलाल आज कराची के लिए निकल चुका है और सुनने में आया है कि कल उसकी सालगिरह भी है। अच्छा, बच गया तू, अच्छी किस्मत है तेरी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए चौकीदार हमीद कत्ल केस में यह अदालत मुलजिम असगर अली को मुजरिम करार देते हुए ताजिरात पाकिस्तान दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। टू बी हैंग टिल डेथ। लाओ यार ये बैग इधर दे दो पहले तुम, और बताओ काफी टाइम बाद आ रहा हुआ ऐसे भी। नहीं यार एक जरूरी काम था इस वजह से आया। ऐसा भी क्या जरूरी काम भाई, अभी तो बताओ। तू इस बात को छोड़ना, तू अपने बारे में बता, तू क्या कर रहा है? यार मैं तो एक कंपनी में काम करता हूँ, रात की ड्यूटी होती है मेरी। अच्छा चलो यार मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह लेके आता हूँ, सही है? हाँ बस यार मैं एक दो दिन रहूंगा तो तुम्हें तकलीफ तो होगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारा अपना घर है, जब भी दिल चाहे जाया करा करो। मैं काम करो, नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह लेके आता हूँ, ठीक है? ये ले तू घर की चाबी पकड़, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, फजर तक आ जाऊंगा, तू आराम कर ले जब तक। एक काम करते हैं ना, तुम वहाँ से काम पर चले जाना, मुझे किसी दोस्त से खास काम है तो मैं वहाँ चले जाऊंगा। हाँ ये भी सही है।
हाँ बस आता हूँ। कौन? ये गिफ्ट अंदर दे दो। ये किसने भेजा है और आपका नाम? मेरा मतलब ये गिफ्ट नासिर साहब ने भेजा है और ये उनके नाम की पर्ची लगी हुई है। चले सही है, फिर आप अंदर तशरीफ ले जाएं। नहीं, मेरा मतलब है कि आप ये अंदर दे दें, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। चले ठीक है। Thank you.
असगर, मैंने तेरी मौत का बदला ले लिया है। अब बस कुछ ही मिनटों की बात है, फिर एक धमाका होगा, जोरदार धमाका, और उस वकील के टुकड़े हवाओं में उड़ रहे होंगे। कौन है वहां? मैंने कहा कौन है वहां? सामने आओ, बताओ कौन है वहां? कोई है? तू था। लेकिन तू तो फजर में आने वाला था यार। वो बस मैं तुझे बताना, ये तेरा हुलिया यार, मैं तुझे बताना चाह रहा था मेरे हालात। लेकिन तू इतना घबराया क्यों है? मुझे सच सच बता बात क्या यार। वो दरअसल मैं मजबूरी थी और मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने मजबूरी में आके चोरी करना शुरू कर दी, और मैंने मजबूरी में आके हराम काम को मुंह लगा लिया, और आज भी अपने दोस्तों के साथ एक जगह चोरी करके आया हूँ। और जिस जगह आज मैंने चोरी करी वहाँ पे बच्चों की बर्थडे चल रही थी, तो सामान कुछ मिला है। और ये ज्वेलरी भी निकली कुछ, और ये